हाउ चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर, हाउ डू यू डू, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक है, हमारी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास का अगला लेसन। आज हमारा टॉपिक है पिनोकियो। ओके, और सब टॉपिक है, हमने तीन सब टॉपिक लिए हैं, वो आपकी बुक से ही है। नंबर वन, अपोजिट्स यूजिंग प्रिफिक्सेस। नंबर टू, यूज ऑफ नेस, ईटी और टीवाई, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे, जिससे उसका भाव बदल जाएगा। नंबर थ्री, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज बाय अ कारपेंटर। अगली वीडियो में हम यही देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है ऑपोजिट्स, यूज ऑफ प्रिफिक्सेस। व्हाट इज प्रिफिक्सेस? प्रिफिक्सेस किसी भी वर्ड के शुरू में लग जाता है और उसके अर्थ को बदल दे तो हम उसे प्रिफिक्सेस कहते हैं। ओके, हम अपनी बुक के हिसाब से भी चलेंगे, एक दो वर्ड्स इसके अलावा लेंगे। हमारे पास फर्स्ट ऑपोजिट या प्रिफिक्स है दिस। नंबर वन, दिस ऑपोजिट ऑफ, इसका मतलब है ऑपोजिट ऑफ का उल्टा। किसी भी शब्द के पहले जब इसको लगाएंगे तो उसे शब्द के अर्थ को ये उलट देगा। फर्स्ट वर्ड है रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट से पहले हमने डिस यूज किया तो डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है आदर करना, और आदर करने का उल्टा हुआ आदर ना करना, यानी डिसरिस्पेक्ट। एबल, काबिल। डिसेबल, ना काबिल, यानी एबल का उल्टा। ओन, अपना। डिसओन, अपना नहीं का उल्टा, एक ओन का उल्टा। ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार नहीं, यानी ईमानदार का उल्टा डिसोनेस्ट, बेईमान। अपियर, प्रकट होना। प्रकट होना या अपियर का उल्टा डिसअपियर, गायब हो जाना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है इन। इन, इन का ऑपोजिट में, ऑपोजिट में जब हम इसको प्रिफिक्सेस के तौर पे यूज करेंगे तो अर्थ आता है नॉट, नहीं। सिक्योर, इन सिक्योर, यानी सिक्योर नहीं, सुरक्षित नहीं। कैपेबल, काबिल। नहीं, काबिल नहीं। इन, इनकैपेबल, ना काबिल। एफिशिएंट, इन एफिशिएंट। क्लियर? यानी वो एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट। करेक्ट, करेक्ट नहीं, करेक्ट मतलब सही, वो सही नहीं है। इनकरेक्ट यानी गलत है। कंप्लीट, पूर्ण या पूरा, लेकिन पूरा नहीं जब हम इसको प्रिफिक्सेस में ऐड करेंगे आईएन के रूप में, तो नहीं, पूरा नहीं। थर्ड वर्ड, इनकम्प्लीट। अन का मीनिंग भी नॉट, नहीं। किसी भी वर्ड से पहले जब हम प्रिफिक्स को यूज करेंगे अन को, तो उस वर्ड को नहीं में ले जाएगा, उसके अर्थ को बदल देगा। जैसे कि लाइक, पसंद, अगर उसको हम अन यानी नहीं, पसंद नहीं, अनलाइक नापसंद। सेकंड है नोन, जानना, जानने वाला। जब हम इससे पहले प्रिफिक्स यूज करेंगे अन नहीं, यानी अननोन, फिनिश, अनजान। फिनिश, खत्म। जब हम अन यूज करेंगे तो अनफिनिश्ड, अधूरा, जो खत्म नहीं है, अधूरा। नंबर फोर, फ्रेंडली, मित्रवत। फ्रेंडली, मित्रवत। जब हम इसमें प्रिफिक्सेस के रूप में इसको यूज करेंगे तो अनफ्रेंडली, मित्रवत नहीं। दिस इज अवर सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने अपनी बुक्स में ली थी, बुक से ली है। यूज ऑफ एनी डबल एस नेस, ITYET और TYT, इनको हम स्फिक्सेस भी कहते हैं। जब किसी शब्द के अंत में या किसी वर्ड के लास्ट में ये इनको हम स्फिक्स करते हैं या जोड़ते हैं, तो ये उस शब्द के अर्थ के भाव को दिखाती हैं, भावना,
यानी ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाती है। आप देखिए हमारे अगले वर्ड्स हैं, एक्सरसाइजेस का मतलब सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं है, वो किसी मतलब से आपको बुक में दी गई होती हैं, जो आपको इस क्लास से अगले क्लास में जोड़ने का काम करती हैं। फर्स्ट वर्ड इज फॉरगिव, क्षमा करना। क्षमा करने का भाव क्या है? भाव नेस यूज करेंगे तो क्षमाशील हो जाएगा, उसकी भावना बदल जाएगी। फॉरगिवनेस, इज इट क्लियर? सेकेंड वन ब्लाइंड, कोई अंधा है, ठीक है, हिज ब्लाइंडनेस, अंधा होने का भाव, उसकी अंधता, ठीक है, क्लियर है। नंबर थ्री काइंड, दयालु या दया करना, ओके, काइंडनेस, दयालु या दया करना एक भाव, जब उस भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलेगा तो वो काइंडनेस बदल जाएगा। इज इट क्लियर? नंबर थ्री पोलाइट, विनम्र, ठीक है, नेस का यूज करेंगे एज ए सफिक्स, तो विनम्र वो व्यक्ति है और उसका भाव क्या है, उसका गुण क्या है? विनम्रता, विनम्रता। नंबर फाइव स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है शीघ्र, तेज या द्रुत गति से चलने वाला, उसका भाव क्या है, उसकी भावना क्या है? द्रुत गति से चलने वाला, शीघ्र, शीघ्रता, वो उसकी गुण है, उसकी क्वालिटी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सॉलिड, ठोस, कोई भी ठोस चीज, पत्थर हो गया, लोहे का टुकड़ा हो गया, ठोस है, उसका गुण क्या है? सॉलिडिटी, सॉलिडिटी उसका गुण है। पब्लिक, समाज या लोग, क्लियर, उन लोगों के बीच में खुद को प्रचारित करना, प्रचार करना, पब्लिसिटी, सभी लोगों को, सभी समाज तक अपनी बात को पहुंचाना। स्टूपिड, मूर्ख, लेकिन भाव क्या है, इस शब्द का भाव क्या है? मूर्खता, स्टूपिडिटी, मूर्खता। मॉरल, मॉरलिटी, मॉरल का भाव है मॉरलिटी, मॉरलिटी, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी तो बोलते हैं ना, तो ये मॉरलिटी है, उसका भाव है, शब्द का भाव है। सफिक्सेस, एंड में जोड़ रहे हैं हम, तो वो शब्द के भाव को व्यक्त कर रही है, क्लियर कर रही है शब्द के भाव को। लास्ट है क्रूअल, निर्दयी, और जब हम लास्ट में टी वाई ऐड कर देंगे तो क्रूरिटी, यानी निर्दयता, ता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा में चेंज हो रहा है। अब देख, दिस इज अवर सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने अपनी बुक्स में लिखी, बुक से ली है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है टूल्स यूज्ड बाय अ कारपेंटर, और उसमें काफी कुछ टूल्स दिए हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस में यूज होते हैं, हम सिर्फ कारपेंटर्स के द्वारा यूज किए गए टूल्स को यहाँ लिख रहे हैं। नंबर वन बेंच, जिसका मीनिंग बेंच होता है। नंबर टू प्लेन, जिसको हम रंदा कहते हैं, आपने देखा होगा जब दरवाजे खिड़कियां बनते हैं तो उसको लकड़ी को प्लेन करने के लिए हम प्लेन या रंदा यूज करते हैं। नंबर तीन चीजल, किसी भी लकड़ी में छेद करने के लिए चीजल यानी लकड़ी की छेनी का यूज किया जाता है। पिंसर्स, कील निकालने के काम आता है कारपेंटर के द्वारा, जिसको हम जमोर भी कहते हैं। जॉ, कोई लकड़ी में जब कोई चीज जोड़ी जाती है तो उसको टाइट करने के लिए शिकंजा का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं जॉ। हैमर, सबने देखा है, हथौड़ा या हथौड़ी। नेल्स, कीले लकड़ी को जोड़ने में यूज होती हैं। पेंसिल, आप सबको मालूम है पेंसिल, पेंसिल होती है जो लकड़ी में निशान लगाने के काम आती है। इस तरह से और भी प्रोफेशंस का, जैसे लोहे के काम करने वाले का या स्कूल टीचर के क्या क्या टूल्स होते हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इज इट क्लियर? थैंक यू। इज द वर्कशीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींचकर फिल करें। क्वेश्चन वन है, मेक ऑपोजिट विद द गिवन वर्ड्स प्रीफिक्सेस।
नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से ऑपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, डिस इन अन। इन्हें दिए गए शब्दों से शुरू करके और शुरू में ऐड करके ऑपोजिट वर्ड्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर टू है, नीचे दिए गए वर्ड्स के एंड में नेस ईटी टी वाई वर्ड्स जोड़कर न्यू वर्ड्स बनाएं, एक वर्ड बनाया गया उदाहरण के लिए। क्वेश्चन थ्री है, नीचे कुछ औजारों के नाम दिए गए हैं जो कारपेंटर यूज करता है, आप इन्हें नीचे दी गई खाली जगह पर भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।